हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के चलते प्रदेश में हो रहे आर्थिक नुकसान के चलते प्रदेश सरकार ने जो बस किराया बढ़ाया था उस पर सुरजेवाला के बयान के बाद अब मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री कंवरपाल का कहना है कि किराया बहुत मामूली सा बढ़ाया गया है और किराया बढ़ने के बाद भी प्रदेश में बसों का किराया पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किरायों से कम ही रहेगा। मार्केट कमेटियों में सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में 2% मार्केट फीस लगाई गई है और हमारे साथ पड़ोसी राज्य पंजाब भी मार्केट फीस लगाता है, उसमें पहले से जो फीस ली जा रही थी। सरकार ने ऐसा कोई भी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी किसी में नहीं की, जहां तक बसों के किराए की बात वो बड़ा जोर दे के कह रहे कि बसों का किराया बढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से जिस टाइम पहले किराया बढ़ा था आज से सिर्फ 10 साल पहले और उसके मुकाबले में आज जो खर्च है वो लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा खर्च है बसों का और उसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है। और जो वृद्धि की गई है, अगर इसको हमारे आसपास के स्टेट के साथ इसकी तुलना की जाए, पंजाब के साथ तुलना की जाए, राजस्थान के साथ तुलना की जाए, हिमाचल के साथ तुलना की जाए, उत्तराखंड के साथ तुलना की जाए, उत्तर प्रदेश के साथ तुलना की जाए, तो उन सभी स्टेट्स में हमारा जो किराया आज की डेट में बढ़ने के बाद भी उनसे काफ़ी कम है। दूसरा, उन्होंने मार्केट फीस की बात कही है कि हमने मार्केट फीस लगाई है, तो हमारे साथ के स्टेट पंजाब है, पंजाब में पहले से फीस ली जा रही है, हमने ये फीस पहले खत्म कर दी। लेकिन आज की जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से सरकार ने देखा कि वहां से काम आमदनी उसकी, ये बात सही है कि जैसे उन्होंने कहा कि उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि भाई कर्जा ले सकते हैं आप, कर्ज ले, लेकिन कर्ज किसने देना, वापसी कौन करेगा, स्टेट करेगा, और स्टेट का मतलब कौन करेगा, स्टेट की जनता करेगी। तो जो भी पैसा हम जनता से लेते हैं वही पैसा हम दोबारा जनता पे ही खर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोशिश सरकार ने कहीं और से पैसे लेके और वो खर्च कर दिया। सभी सरकारें ऐसे ही करती हैं, सभी सरकारें ऐसे ही करती हैं।